अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ भरवा बैगन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे हमारे यूपी में बैगन की कलौंजी भी कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी प्रोवाइड करा रही हूँ। आजकल तो ठंड का सीज़न है, छोटे छोटे बैगन आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे। मटन और चिकन की बहुत सारी रेसिपीज हमने अपने चैनल पर अपलोड की है। आज हम आपके साथ वेज रेसिपी, भरवा बैगन की रेसिपी, बैगन की कलौंजी कैसे बनाया जाता है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट ज़रूर करें, ऐसी बढ़िया बढ़िया सी रेसिपीज लेकर के मैं आती रहती हूँ। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए बिना देर के रेसिपी बनाना शुरू करती हूँ फ्रेंड्स। इसके लिए फ्रेंड्स हमने 1/2 kg बैगन लिए हुए थे, तो ये छोटे छोटे बैगन है फ्रेंड्स, मुझे मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो गए, तो मैंने इसे ले लिया, अच्छे से धो लिया है फ्रेंड्स। धोने के बाद इसको पोंछ लिया है, और इसके बाद थोड़े से मसाले वो मैं आपको दिखा दूंगी। थोड़ा सा हमने इसमें बेसन लिया है, थोड़े से मसाले इसे देख लीजिए। 1 tablespoon हमने इसमें ज़ीरा लिया है फ्रेंड्स, और 1.5 tablespoon इसमें हमने सौंफ लिया है। 1 teaspoon हमने मेथी का दाना लिया है फ्रेंड्स, और 1/2 teaspoon हमने इसमें कलौंजी लिया है। तो ये ज़रूरी इसमें पड़ेगा फ्रेंड्स, तो इसे ज़रूर लेना। इसके साथ ही से फ्रेंड्स कुछ मसाले हैं, पाउडर मसाले, उसे भी आप देख लें। तो 1/2 teaspoon हमने हल्दी पाउडर लिया, 1.5 tablespoon हमने इस पर धनिया पाउडर लिया, 1 teaspoon हमने इसमें सफ़ेद नमक लिया है, और 1 teaspoon हमने इसमें लाल वाली मिर्च लिया। तो कुछ मसाले और हैं, मैं आपको बाद में बता दूंगी फ्रेंड्स। इधर गैस की तरफ चलते हैं, तो थोड़ा से मसाले को हम भून लेते हैं। तो लो टू मीडियम फ्लेम का ख्याल रखते हुए हम इस मसालों को हल्का सा रोस्ट करेंगे, और तब तक रोस्ट कीजिए जब इसमें एक बढ़िया से खुशबू आने लगे, तब तक आप इसे रोस्ट कर लीजिएगा। तो बस मसालों को जलने से हमको बचाना है, बस हल्का से इसे रोस्ट करके आप इसे उतार लीजिए, क्योंकि इसे हमने मोटा मोटा पीसना है फ्रेंड्स। तो आप ख्याल रखिएगा कि जब इसको पीसिएगा ना, तो बहुत ही मोटा ना होने पाए। इसी पैन को हमने साफ कर लिया है, और इसी में हमने 1 cup भर के फ्रेंड्स इसमें ग्राम फ्लोर हमने इसमें बेसन लिया है फ्रेंड्स। तो बेसन को भी हमने इसमें डाल करके अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे, तो इसको हमें जलने से बचाना है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको लाइट गोल्डन होने तक अच्छे से इसको हम रोस्ट कर लें। बेसन हम थोड़ा ज़्यादा इसलिए ले रहे हैं फ्रेंड्स कि हमको बहुत सारी रेसिपीज़ में काम आएगा, तो हम इसको उठा करके एयरटाइट कंटेनर में इसे हम रख देंगे। इसमें 1 से 1.5 tablespoon का ही यूज़ हमें करना है। तो अच्छे से हम इसको गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे, तब तक इसे फ्राई करें जब तक इसमें बढ़िया से खुशबू ना आने लगे फ्रेंड्स। इसे हम किनारे करते हैं, और इधर जो हमारा मसाला था ना फ्रेंड्स, जो हमने रोस्ट किया था, इसको एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके हम इसको पर्स मोड पर मोटा मोटा इसको हम ग्राइंड कर लेंगे फ्रेंड्स। देखिए बढ़िया से ये हमारा ग्राइंड हो गया, बस ख्याल रखिएगा कि ज़्यादा ये महीन ना हो। चाहे तो आप रोटी बेलने वाली बेलने से भी इसको क्रश कर सकते हो। इधर हमने फ्रेंड्स ये बैगन को लिया है, और बीच से इसको हमने कट लगा दिया है, और इसमें जितना भी इसको होल बनाते हुए फ्रेंड्स, जितना भी थोड़ा बहुत गूदा है ना, उसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें स्टफिंग करना है। तो मसाले हमने इसमें डालना है फ्रेंड्स, तो अच्छे से इसमें आप थोड़ा सा होल बना लीजिए फ्रेंड्स। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा जो बीज का बैगन है हम उसको निकाल ले रहे हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स सारे बैगन का आप जो थोड़ा थोड़ा सा होल बना करके आप बढ़िया से इसे कर लीजिए। जब आप बीज से इसे कट कीजिएगा, तो एक चीज़ का खास ख्याल रखिए कि देखिएगा बैगन बहुत ही बढ़िया हो। अंदर अक्सर बैगन में कीड़े होते हैं, तो देख करके आप इसे कट कीजिएगा। उसके बाद थोड़े थोड़े से इसमें आप होल ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि सारे बैगन के हमें इसी होल में स्टफिंग करना है फ्रेंड्स। किसी नोकदार चाकू का ही आप यूज़ कीजिएगा, ताकि आसानी से ये निकल जाए। चम्मच के पीछे वाले हिस्से से भी आप इसे निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम सारे होल को कर लेंगे अच्छे से बढ़िया से, ताकि हमें अच्छे से इसके स्टफिंग हो जाए फ्रेंड्स। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको थोड़ा सा भगाएंगे, ताकि अच्छे से हम वीडियो को आपको थोड़ा सा टाइम आपका ना बर्बाद हो। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स सारे बैगन को हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स सारे गूदे इधर निकल गए। इसे में वेस्ट नहीं करना है, या तो सब्जी में डाल दें, या तो फिर जानवरों को खिला दें। इधर हम फ्रेंड्स इसका मसाला बना लेते हैं। तो सारे मसालों को फ्रेंड्स किसी गहरे बर्तन में डाल दिए, जितना मैंने बताया था फ्रेंड्स बस उतना ही डालिएगा, ज़्यादा और कम मत कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा परफेक्ट मेजरमेंट है फ्रेंड्स। हमने 1/2 teaspoon इसमें ड्राई मैंगो पाउडर, जिसे अमचूर कहते हैं, उसे हमने डाला है, और 1 हमने 1.5 tablespoon के करीब फ्रेंड्स हमने इसमें बेसन डाला, जो मैंने अभी थोड़ा सा रोस्ट किया था ना, बस वही वाला बेसन। 1 tablespoon भर के फ्रेंड्स हम जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का डालेंगे, थोड़ा सा मेरा पतला, थोड़ा सा और हम डाले दे रहे हैं। थोड़ा सा हम इसमें लेमन ड्रॉप्स डाल देंगे, बस थोड़ा सा ही डालना, क्योंकि हमने इसमें ड्राई मैंगो पाउडर डाला है। तो
तो इसके बाद फ्रेंड्स हम अच्छे से इसको मिला लेंगे। तो थोड़ा सा ये हमारा इसमें थोड़ा सा हम नहीं मिल पा रहा था, तो थोड़ा सा हमने ऑयल डाला है। ऑयल या पानी कोई भी चीज़ आप इसमें डाल करके इसको थोड़ा सा इतना बना लीजिएगा कि थोड़ा सी चिपकने लगे। इसको पतला बिल्कुल भी नहीं करना है, 4 से 6 ड्रॉप ही डालिएगा। तो ऑयल आप मस्टर्ड बिल्कुल भी यूज़ ना कीजिएगा, आप रिफाइंड डालिएगा। और अगर आपका पास रिफाइंड नहीं है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा पानी डालकर बस इसको हल्का सा लिक्विड कर लीजिएगा, इतना कि बस ये जम जाए। मतलब कहने का मतलब ही कि थोड़ा सा ये चिपकने लगे, ताकि हम अंदर से जब इसकी स्टफिंग करें बैगन की ना, तो ये बाहर ना आए। तो हम आपको परफेक्ट कंसिस्टेंसी आपको दिखाई दे रहे हैं। और मस्टर्ड ऑयल का बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि वो कच्चा होता है, मसाला महक जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बस इसकी एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो पानी से भी आसानी से हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये हो गया है। अब इसमें हम फ्रेंड्स एक एक बैगन को उठाते हैं, और जो हमने होल बनाया था उसमें थोड़ी सी हम स्टफिंग मसाले की भर देंगे फ्रेंड्स, देखिए इस तरीके से। और थोड़ा सा हम इसको दबा देंगे, तो इससे क्या होगा कि तेल में जब डालेंगे ना, तो बिखरने नहीं पाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इधर आपको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। तो सारे बैगन को फ्रेंड्स इस तरीके से उठा लीजिए, और इसमें थोड़ी थोड़ी सी स्टफिंग डाल दीजिए। ज़्यादा स्टफिंग हमको नहीं भरना है फ्रेंड्स, क्योंकि मसाले के साथ ज़्यादा स्टफिंग इसकी अच्छी ही नहीं लगी। बस हमने जहाँ तक लोगों को देखा है कि इसमें हल्की स्टफिंग जब भरा जाता है ना, तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो थोड़ा थोड़ा सा आप भर दीजिए फ्रेंड्स, हमने इसमें थोड़ा ज़्यादा भर दिया था, तो आप लोग ज़्यादा मत भरना। देखिए फ्रेंड्स, बस इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से इसे दबा दीजिए। तो जैसे आप प्रेस करोगे ना, तो ये अंदर से पकड़ लेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से एक एक दो दो करके मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, ताकि कोई गलती ना होने पाए। हम नहीं चाहते कि आपकी रेसिपी ख़राब हो और तेल में जाकर ये बिखर जाए। बहुत से ऐसी भी रेसिपी होती है इस तरीके से भी बनाया जाता है फ्रेंड्स, कि जैसे ही वो तेल में आप डालोगे ना, तो सारा मसाला बिखर जाएगा। तो इस तरीके से हम बना रहे हैं कि इसमें बिल्कुल भी आप बिला झिझक आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, एक भी मसाला आपका नहीं निकलेगा, ये मेरा दावा है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप भर लें। देखिए फ्रेंड्स, सारे हम एक एक करके आपको दिखाई दे रहे हैं, ताकि आपकी कोई भी गलती ना होने पाए और आपकी रेसिपी ख़राब ना हो। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से हम एक एक करके सारे मसाले को भर लेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें इतना मसाला भर गया था कि समझ लीजिए जैसे हमने परफेक्ट मेजरमेंट आपको दिया हो, बिल्कुल भी इसमें मसाला बचा नहीं। सारे हमारे बैगन की अच्छे से स्टफिंग होगी, और ये सब काम करने में इनको बड़ा मज़ा लगता है फ्रेंड्स। चाहे आप जितनी भी हमसे रोटियां बनवा लीजिए, पूड़ियां तलवा लीजिए, इस तरीके की रेसिपीज बना लीजिए, मैं बिल्कुल भी थकती नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बचपन से ही फ्रेंड्स मैं बनाती आई हूँ। अम्मी हमारी हम सब चीज़ें बहुत बनवाती थी, बहुत खाती थी और बहुत खिलाती थी, वही आदत मेरी आज पड़ी हुई है फ्रेंड्स। तो बचपन में जो हमने सीखा था ना, वो अब मेरे काम आ रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए, अच्छे से चेक कर लीजिए कोई भी आपका एक आध बैगन रह ना गया हो, इसलिए कि बाद में फिर वो वेस्ट हो जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया से हमने इसको कर लिया फ्रेंड्स, बिल्कुल ही मसाला इसमें बचा नहीं। जैसे लग रहा था कि इतने ही बैगन के लिए हमने इतने ही हमको मसाले की ज़रूरत थी, तो बस आपका निकले ना। इसलिए फ्रेंड्स हमने इसको धागे से इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से बांध देंगे। तो जिन लोगों से नहीं बनता, वो इस स्टेप को ज़रूर फॉलो करें। मैं भी अक्सर ये करती हूँ फ्रेंड्स, कि इससे क्या होता है कि हमें मतलब ये हो जाता है कि अब किसी भी तरीके से इसका मसाला बाहर नहीं आएगा, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होता है। तो ये स्टेप ज़रूर कर लेना। और दो हम इसमें छोड़ भी देंगे, ताकि मैं आपको दिखाऊं कि बिना बांधे बैगन का क्या प्रोसेस होता है तलते समय। तो हम आपको दिखाएंगे, दो हमने छोड़ा है, वो भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ, उससे मैंने बिल्कुल भी नहीं बांधा है। चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। चलिए तैयार हो गया। अब देखिए, हमने गैस की फ्लेम को ऑन करके इसमें हमने मस्टर्ड ऑयल डाला है। तो आप पूरी कोशिश कीजिएगा कि मस्टर्ड ऑयल में ही बनाइए, क्योंकि ये रेसिपी सिर्फ मस्टर्ड ऑयल में ही अच्छी होगी। अगर आप रिफाइंड बनाओगे ना, तो बन तो जाएगी, लेकिन वो बढ़िया सा टेस्ट नहीं आएगा। तो कुछ रेसिपीज ऐसी होती है फ्रेंड्स, वो सिर्फ मस्टर्ड ऑयल में ही अच्छी होती है। तो आप इसको हाई फ्लेम पे बढ़िया से आप गर्म कर लीजिए। और गर्म करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, जब मैं अच्छे से गर्म हो गया ना, तो हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा तेल भी नहीं ख़राब होगा और जितनी हमको ज़रूरत है उतने ही हम यूज़ करेंगे। थोड़ा सा हम रहने दे रहे हैं इसके अंदर। अब देखिए, इसमें हम एक एक बैगन को डालेंगे। फ्लेम को इस वक्त आप लो कर दीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, एक एक बैगन को हम इस तरीके से डाल देंगे। हालांकि फ्रेंड्स मेरा पैन इतना बड़ा था कि हमारा पूरा बैगन एक बार आ जाता, लेकिन आपको दिखाने के लिए हमने इसको दो बार दो प्रोसेस से इसको हमने गुजारा है। तो एक हमने तल लिया था और एक लास्ट वाला हमने बाद में दिखाया था आपको। तो एक एक करके हम इसमें डालते हैं, और फ्रेंड्स इसको हम ढक करके लो फ्लेम पर फ्रेंड्स हम 2 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। तो शुरुआत में हम लो फ्लेम का ही ख्याल रखेंगे, इसलिए कि हमारा तेल और पैन सब बहुत गर्म है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ढक के 2 मिनट के बाद फिर हम इसे खोलेंगे,
और खोलने के बाद एक एक बैगन को हम इस तरीके से टर्न कर देंगे। तो उलट पुलट करके आप चौतरफा कर लीजिएगा ताकि कहीं से भी बैगन हमारा कच्चा न रहने पाए। तो दो से तीन स्टेप में ऐसे आपको गुजरना पड़ेगा, हर दो दो मिनट पर फ्रेंड्स आप इसको पलटिएगा खोल खोल के। तो इस एक मतलब एक बैगन बनने में तकरीबन ये 10 मिनट तो आपका लग ही जाएगा, दो दो तीन तीन मिनट पर आप इसको करिएगा। शुरू में हमने 2 मिनट इसके जो फ्लेम रखा था फ्रेंड्स वो लो रखा था, उसके बाद लो से थोड़ा सा ऊपर कर दिया था हमने, मतलब लो टू मीडियम फ्लेम था। आप इसको तल लीजिएगा इस तरीके से, दो दो मिनट पर आप इसे खोलिएगा, टोटल 8 से 10 मिनट में ये बन के तैयार हो जाएगा। इसकी परफेक्ट पहचान ये है फ्रेंड्स कि जब ये हम बनाएंगे ना तो थोड़ा सा ये चिपक जाएगा और ये जो इसकी लेयर होती है ना वो थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएगी, मसाले तो अंदर से भी अच्छे से पक जाएंगे। देखिए इस तरीके से टर्न कीजिएगा, इसलिए कि बिल्कुल हमको जलने से बचाना है। ये देखिए फ्रेंड्स अच्छे से चौतरफा आप कर ज़रूर लीजिएगा, नहीं क्या होगा कि एक तरफ का जलने लगेगा दूसरी तरफ का रह जाएगा। तो फिर हम इसको ढक करके 2 मिनट के लिए हम इसे पकाते हैं। तो फ्लेम का खास ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा हमको मीडियम फ्लेम पर ही ख्याल करना, थोड़ा सा लो से थोड़ा सा मीडियम फ्लेम। बस फ्रेंड्स इस तरीके से हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए ठंड का सीज़न है फ्रेंड्स, तो इस वक्त ज़्यादा जल भी नहीं रहा है और इतना बढ़िया लग रहा है ना, आपसे क्या बताएं। देखिए देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से आप बैगन को उलट पुलट करके फिर से इसे ढक दीजिएगा, कोई भी हिस्सा इसका छूटा ना रह जाए। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से पलट लीजिए आप। अब इसको हम ढक कर फिर से लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए पकाते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब इसके हम लिड को खोलते हैं और इसको हम एक बार फिर चेक करते हैं, मुझे लगता है अभी बढ़िया से हो गया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये बन के तैयार हो जाता है। तो आप लोग भी इसी तरीके से बनाना, बस चेक कर लेना कहीं से भी ये कच्चा ना रह जाए। ये देखिए जैसे हम लोग बैगन का भरता बनाते हैं ना, तो वो एकदम जब गैस पे रखते हैं ना तो स्टेज पर उतारते हैं कि बिल्कुल गल जाता है ना, तो उसी तरीके से अगर आप इसे गला लोगे तो बढ़िया होगा। लास्ट टाइम पे थोड़ा सा यदि पक जाए तो थोड़ा सा हाई फ्लेम कर दीजिएगा ताकि इसकी जो लेयर हो थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए, तो बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स देखिए मेरा हो गया, अभी मैं इसे निकाल रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी प्रोवाइड किया है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। अब यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और साथ में लगे हुए बेल के बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी रेसिपी लोड करूँ फ्रेंड्स तो आपको सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। मुझे ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता फ्रेंड्स तो जल्दी जल्दी रेसिपीज लोड करने के लिए, मेरा अपना खुद का रेस्टोरेंट है, घर के बहुत सारे काम हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, कई चैनल मैं रन कर रही हूँ फ्रेंड्स, तो बस थोड़ा सा देर हो जाती है। इसलिए आप लोग बेल का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी रेसिपी मैं लोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सेकेंड बैच को भी फ्रेंड्स हम इसी तेल में हम कर लेते हैं, चाहे तो आप निकाल दीजिए तेल को और चाहे तो आप यूज़ कर लें। मेरा जो ये पैन है वो हैवी बॉटम का है तो इसमें सही है बॉस, अगर आपका पैन थोड़ा सा बॉटम इसका पतला हो तो तेल थोड़ा महक जाएगा, उस वक्त आप तेल बदल दीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें हमने वो वाले बैगन डाले थे 2 जिसमें हमने बांधा नहीं था, तो देखिए वो जाके इस तरीके से खुलने लगा है। तो मैं आपको दिखा दूँ बीच वाला जितना भी हिस्सा है ना फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा सा ऑयल आप इसमें डाल दीजिएगा ताकि जो हमने स्टफिंग किया है ना फ्रेंड्स तो उसमें अच्छे से ऑयल पहुंच जाए। तो सेम प्रोसेस से आपको इसे भी फॉलो करना है जैसे मैंने आपको बताया था, तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आप इसे बना लें। तो देखिए मैं आपको दिखा दूँगी फ्रेंड्स अभी कि बहुत ही बढ़िया से बन गया, मेरा खुला नहीं है तो बहुत से लोग को ये खुल जाता है, तो जिनसे अच्छा से बन जाते हैं ना तो धागे का ना यूज़ करें। अभी मैं आपको इसे दिखाती हूँ, अच्छे से आप ऊपर नीचे करके इसको टर्न कर लीजिएगा, कोई भी हिस्सा इसका छोटा ना रह जाए फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स मसाला अच्छे से भरा हुआ है, निकला नहीं है क्योंकि मसाले को हमने अच्छे से दबा दिया था। तो अगर इस स्टेज पर आपको करना हो ना तो धागा मत भी बांधिए लेकिन मसालों को बढ़िया से दबा लीजिएगा ताकि मसाला तेल में बिखरने ना पाए। फ्रेंड्स देखिए इसको भी हम इस तरीके से निकाल लें, ये देखिए ये खुले वाला बैगन था जिसमें हमने नहीं बांधा था। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से हमने सेकेंड बैच को भी सेम प्रोसेस से फ्राई कर लिया और लुक वाइज कितना बढ़िया लग रहा है फ्रेंड्स, और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। हम लोग तो फ्रेंड्स चिकन और मटन ही ज़्यादा खाते हैं, रेस्टोरेंट में जो कुछ बचता है वो घर के ही लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, लेकिन जब इस तरीके की रेसिपीज़ बनती है ना तो फिर हमारा बहुत मन कर जाता है कि पटाख से हम खा लें।
तो इधर मैंने रोटियां बना ली थी, अरहर की दाल और चावल बना लिए थे फ्रेंड्स, उसके साथ ही बहुत ही मज़े का लगता है। तो ऐसी बढ़िया बढ़िया सी रेसिपीज हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। सारी रेसिपी एक से बढ़कर एक है, हमारे चैनल पर विजिट ज़रूर करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो और रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अब देखिए मैं इसे टेस्ट करके भी आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स, तो गर्मा गर्म है, बहुत ही बढ़िया है फ्रेंड्स, मसाला बहुत ही टेस्टी है, आप लोग इसे ज़रूर बनाएं। ऐसी बढ़िया बढ़िया सी रेसिपीज देख मैं अपने चैनल पर आती रहती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स लग रहा है ना बढ़िया, आ रहा है मुँह में पानी, बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर बनाइए। पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। तो बैगन की कलौंजी या बैगन का भरवा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।